नहीं, क्योंकि मेरा गोश्त बहुत ही कड़वा है, क्योंकि मैं खुद बहुत कड़वा हूँ। बाकी अब चलते हैं, ये तो तालाब है रमजान भाई, ये देख सकते हैं आप इसको, मान ये देखें। नहीं नहीं भाई, उन्होंने भाग जाना है। हमें काटना दे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद की एक ऐसी खूबसूरत जगह, ऐसी खूबसूरत और छुपी हुई जगह जिसके बारे में बहुत से लोगों को पता है और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो आज इस वीडियो में आपको मैं वो जगह दिखाऊंगा, जगह तो नहीं, खूबसूरत सी मस्जिद है जिसमें तालाब है और तालाब में मछलियाँ हैं। उस तालाब में मछलियाँ तैरती हैं, बहुत ही मतलब बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो चलते हैं अब आपको दिखाने वो मस्जिद, वो खूबसूरत मस्जिद, वो तालाब जिस मस्जिद में तालाब है, मछलियाँ तैरती हैं। तो वीडियो में दिखाते हैं आपको। तो ये आप देख सकते हैं, ये मस्जिद है, ये मीनार इसका चेक करें, माशाल्लाह कितनी हाइट पे है, पूरे शहर में ये मीनार नजर आता है। ये मैं आपको मस्जिद का पूरा व्यू करवाऊं जरा, ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। तो ये इसका बहुत ही खुला सा सेहन है, ये आप देख सकते हैं, अंदर जाके भी आपको दिखाते हैं, ये देखें। अभी मैं अंदर की जानिब जा रहा हूँ, अंदर जाके आपको दिखाऊंगा अंदर से कैसी है मस्जिद, और तालाब भी दिखाऊंगा तालाब कैसा है। ये आप देख सकते हैं, अंदर की जानिब जा रहे हैं, ये देखें, इस तरफ भी है। और इस मस्जिद के जो सरदार थे, मौलवी सरदार साहब, उनको मुहद्दिस आजम कहा गया है, मुहद्दिस आजम का लकब मिला है, क्योंकि उन्हें भी एक दुरूद पाक मिला है। बहुत ही अजीम हस्ती हैं वो, बहुत ही अजीम हस्ती हैं। ये देखें जी, ये मस्जिद के हम अंदर आ गए हैं, ये भी मस्जिद का सेहन है, ये देखें, बहुत ही खूबसूरत काम हुआ है मस्जिद का। अंदर की जानिब चलते हैं, अंदर से जाके आपको दिखाता हूँ अंदर का क्या माहौल है। ये देखें जी, तो दोस्तों, अब हम मस्जिद के अंदर आ गए हैं, ये आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत डोर बने हुए हैं। ये मस्जिद का अंदर वाला हिस्सा है सारा, ये देखें ज़रा करीब से, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ज़रा, ये आप देख सकते हैं, ये सारा मस्जिद का अंदरून वाला हिस्सा है। ज़्यादा ऊंचा मैं बोल नहीं सकता क्योंकि बच्चे उधर पढ़ रहे हैं। और मैं अंदर वीडियो बना रहा हूँ। ये छत है सारी, ये आप देख सकते हैं, ये देखें, बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है। ये देखें, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये मिंबर का, ये देखें आप, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें, ये मिंबर बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत मिंबर है, ये देखें, वो उस तरफ बच्चे पढ़ रहे हैं। ये सारा अंदर का माहौल है। अब मैं आपको बाहर की तरफ लेके जाता हूँ। मेन जो चीज़ आपको दिखानी है कि वजू खाने की जगह जो तालाब बनाया गया है ना, वजू खाना, उधर से लोग वजू भी करते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है, उसकी तरफ आपको लेके चलते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ। ये देखें, अंदर से भी आपको सारा दिखा दिया है, अब फिर हम बाहर की तरफ आ गए हैं। बाहर आते ही अब हम जा रहे हैं उस तालाब की तरफ जो बनाया गया है, जहाँ लोग वजू करते हैं, मछलियाँ भी हैं उस तालाब में, तो अब उसकी तरफ चलते हैं। वो रमजान भाई उधर खड़े मेरा इंतजार कर रहे हैं। और मैं वजू खाने की तरफ जा रहा हूँ, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अब हम वजू खाने के करीब करीब पहुंच गए। रमजान भाई, आप क्यों छुप छुप के रहते हैं? अच्छा, आप भी मजार देख रहे थे, पहले वजू खाना दिखा रहे हैं, बाद में मजार की तरफ आते हैं। तो दोस्तों, ये रहा, ये रहा, उसके करीब करीब हम पहुंच गए हैं, आपको मैं दिखाने लगा हूँ। ये देखें, ये है जी, ये वजू खाना, इसमें मछलियां हैं, वो मैं मछलियां भी आपको दिखाऊंगा। ये देखें, सबसे पहले तो ये रही, उसके बाद एक ये रही। रमजान भाई देखे कितना खूबसूरत है वैसे, ये यार चेक करें जरा इसको आप, ये मछलियां इतनी बड़ी इन्होंने कहाँ से डाल दी हैं इसमें, ये देखें। अच्छा, खा खा गए? तो भाई, ये आपने मछलियां देखी हैं, वो देखें जरा, वो देखें, ये मछलियां तैर रही हैं, स्विमिंग कर रही हैं, जिस तरह हमें आती है ना रमजान भाई को, बहुत अच्छे तरीके से आती है। इसको मैं अपनी तरफ बुला के देखता हूँ, शायद आए, आती है कि नहीं आती, ये देखें जरा। नहीं, भाग गई है भाई। वो लाइक नहीं कर रही, मुझे बिल्कुल भी नहीं लाइक कर रही। बाकी अब सारा चारों तरफ से दिखाते हैं, ये देखें, बहुत ही खूबसूरत है भाई माशाल्लाह, मौलवी साहब की क्या बात है, ये देखें,
उधर एक मछलियों का झुंड है, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये सारा वजू खाना है, इधर से लोग वजू करते हैं, वजू भी करते हैं और साथ इसमें मछलियाँ भी हैं। ये देखें, वो देखें, वो देखें, ज़रा ये चेक करें, भाग गई हैं मुझे देख के। इस बड़ी मछली को अपनी तरफ बुला के देखता हूँ, शायद आ जा आ जा, शायद मैंने कहा आ जा भाई, आ रही है आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है। ये देखें किधर से वो एक, ये दूसरी तरफ से भी आ रही है। ये देखें कितनी करीब है यार, ये देखें ये पास आ गई है भाई, आ नहीं रही, वापिस हो गई है, कहती जा दफा हो जा भाई, हम नहीं तुझे लाइक करते। ये सारी आ गई थी है ना सारी। ये देखें जरा, मैं पानी को हिलाता हूँ, शायद फिर से आ जाएं मुझे खाने के चक्कर में, पर खाएंगी नहीं क्योंकि मेरा गोश्त बहुत ही कड़वा है, क्योंकि मैं खुद बहुत कड़वा हूँ। तो बाकी अब चलते हैं, ये तालाब है, है रमजान भाई, ये देख सकते हैं आप इसको, मैं ये देखें। नहीं नहीं भाई, उन्होंने भाग जाना है, हमें हमें काटना दे। तो अब हम मेन पर्पस की एक कॉर्नर से आपको दिखाता हूँ, अंदर तो जा नहीं सकते हम, ये आप देख सकते हैं, ये चेक करें, ये साइड से बहुत ही खूबसूरत। ये देखें ज़रा, ड्रोन का भी एक शॉट दिखाऊंगा, किसी का उठा के, अपना नहीं किसी का उठा के दिखाऊंगा, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है ये। तो ये सारी हिस्ट्री लिखी हुई है इनके दरबार की, ये आप पढ़ सकते हैं, मज़ार शरीफ मुहद्दस आज़म पाकिस्तान, तरीक़े पदाइश सफ़र मंजर, ये आप पढ़ सकते हैं, मोहम्मद फजल हैदरी, ये सारी इनकी तरीक़े पदाइश है। अब हम अंदर से आपको मज़ार दिखाते हैं, ये मज़ार बनाया हुआ है उनका, मौलवी सरदार साहब का, ये बेसिकली मौलवी सरदार के नाम से मशहूर है ये मस्जिद, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ये देखें ज़रा, ये अंदर से भी आप देख सकते हैं, ये देखें सारा, मैं चारों तरफ से आपको दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत है। उधर लेडीज़ तो नहीं, तो भाई अब मैं उधर से भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखें ज़रा, ये चारों तरफ से है जी, ये सारा दरबार का एरिया, दरबार तो नहीं बोल सकते हैं, तो ये मस्जिद मकबरा बनाया हुआ उन्होंने उनका, बाकी उनकी कब्र भी है, ये लोग फातिहा पढ़ रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, ये सारी जगह, अल्लाह अकबर, ये भी सहन है। ऊपर उन्होंने हमें जाने नहीं देना, इसीलिए हम ऊपर नहीं जा रहे। ये देखें लॉक लगा हुआ है, क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, मेरा तो माइंड था मैं ऊपर जाऊं, पर ऊपर जाने नहीं दिया उन्होंने। ये देखें, ये सारा मस्जिद का बाहर से सहन है, और वो हमारे रमज़ान भाई मछलियों के साथ खेल रहे हैं, अब हम इनको उठाएँगे और फिर अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे। भाई मैं हो आया हूँ, चलो चलिए, चलो चलिए, तुसी मछलियाँ जेब चित नहीं भाई को मछली है, अभी तो बता दी हैं, छापर चुक लो। तो अब हम चलते हैं भाई बाहर की जानिब, ये एक बार मस्जिद आपको दिखा दूँ। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं वापस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, इसका सारा एड्रेस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उधर से आप देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Oh.